मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के करेड़ी गांव में बुधवार को दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप धारण कर लिया। बता दें कि जमीनी विवाद के चलते पूरे गांव में तनाव फैल गया है। उपद्रवियों ने कुछ घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। मामले को बढ़ता देख गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस के वाहनों पर भी पथराव कर दिया। दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसके चलते बुधवार को एक पक्ष ने दूसरे को रोक कर बात करनी चाहिए, लेकिन बातों बातों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट होने से तनाव बढ़ गया। दोनों पक्षों में विवाद ने पारिवारिक तूल भी पकड़ लिया। पहले मारपीट के बाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद पथराव भी हुआ, जिसमें पुलिस के वाहन भी चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल गाँव में तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस दोनों पक्षों से चर्चा कर शांति व्यवस्था में जुटी है। आईजी अर्शद वली भी गांव में पहुंचे। एसपी कलेक्टर सहित 8 थानों की पुलिस मौके पर जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार दो परिवारों के विवाद को सांप्रदायिक तनाव का नाम दिया जा रहा था, ऐसे में एसपी प्रदीप शर्मा कलेक्टर हर्ष दीक्षित सहित अन्य अधिकारी तुरंत गाँव के लिए रवाना हुए। और जैसे ही वह गाँव में पहुंचे, उन्होंने तुरंत यहाँ वहाँ छुपे हुए लोगों को तितर बितर करवाया। बाद में पूरा माहौल शांत हो गया। इस दौरान न सिर्फ अधिकारी बल्कि 8 थानों की पुलिस गांव में लगाई गई। गांव में शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें कलेक्टर एसपी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कुछ गांव के गणमान्य लोगों को भी इसमें शामिल किया गया। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि गाँव में पुलिस पहुँच गई थी और भीड़ को तितर बितर करते हुए विवाद को शांत किया। दोनों पक्षों के लोगों को बैठा कर शांति समिति की बैठक की जा रही है। फिलहाल गाँव में अभी शांति है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएल।